दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy video. Big Bash League 2021-22 का ड्रॉ मुकाबला Adelaide Strikers और Brisbane Heat के बीच में खेला जाने वाला है। ये दोनों टीमें पहली बार इस Big Bash में आपस में भिड़ने वाली हैं। तो इस मैच का हम prediction और preview करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि Real 11 को डाउनलोड कर लो अगर आप इस Big Bash में पैसे कमाना चाहते हो तो। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है फैंटेसी प्लेटफॉर्म है ये। मेरा रेफरल कोड INETV कैपिटल में ज़रूर यूज़ करना और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% का बोनस मिलेगा, 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, लेकिन आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है INETV, तभी आपको जो है ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो मुकाबला है एडिलेड ओवल में खेला जाने वाला है और भारतीय समय अनुसार 2:45 से शुरू होगा। ग्राउंड की बात की जाए तो आपको पता ही है कि एडिलेड का जो ग्राउंड है वो ज़्यादातर गेंदबाजों को फेवर करता है और इस बिग बैश में जो भी मैच खेले गए हैं उसमें भी हमें यही देखने को मिला है कि यहाँ के विकेट गेंदबाजों को ज़्यादा फेवर कर रही है और इस मैच में भी हमें यही सब देखने को मिल सकता है। 56 मुकाबले हो चुके हैं, 160 का एवरेज स्कोर है, 34 बार बैटिंग फर्स्ट और 22 बार बैटिंग सेकंड जीती है। वंस अगेन 70% चांसेस रहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीते। स्कोरिंग पैटर्न पर हम नज़र डालें तो 14 बार 150 से नीचे स्कोर बना है, 15 बार 150 से 170 के बीच, 21 बार 170 से 190 के बीच और सिर्फ 6 बार 190 प्लस का बना है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के विकेट गेंदबाजों को ज़्यादा फेवर करती है। एक मैच इस बिग बैश का खेला गया है, 20 विकेट टोटल गिरे हैं, 15 विकेट पेसर्स को और 5 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 14 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं और 6 बार ब्रिस्बेन हिट की टीम जीती है और 8 बार एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम जीती है। पिछले 5 हेड टू हेड मुकाबलों में ब्रिस्बेन हिट की टीम 2 जीती है, वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम जो है 3 मुकाबले जीती है। पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर है ब्रिस्बेन हिट की टीम, 4 में सिर्फ 1 जीते हैं, 3 हारे हैं। वहीं 4थे नंबर पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम, ये भी 4 में सिर्फ 1 जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। बात की जाए यहाँ पर प्लेइंग 11 की तो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 एडिलेड स्ट्राइकर्स की आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। फवाद अहमद को कॉटन की जगह लाया जा सकता है, आखिरी मुकाबले में बड़ी ही मार पड़ी थी। फॉर्म की बात की जाए तो इनकी बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। शॉट अच्छे फॉर्म में जरूर हैं, अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक ही बड़ी पारी आई है इनकी, 63 रनों की, एक मैच पहले आई थी। उसके अलावा वेदर एंड लगातार फ्लॉप शो इनका जारी है, एक ही दो पारी आती है इनकी पूरे सीजन में और इस बार भी एक ही दो आएगी। अब कब आएगी ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। रेंजो की बात की जाए तो रेंजो की टीम में आने से थोड़ी सी बल्लेबाजी स्टेबल जरूर हुई है, लेकिन आखिरी मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे रेंजो, सिर्फ 24 रन ही बना पाए थे। लेकिन इस मैच में रेंजो का बल्ला चल सकता है, रेंजो इस विकेट पर टिक कर जो है रन बना सकते हैं और अच्छे फॉर्म में भी हैं। आप देख सकते हैं पिछले 5 मैचों का प्रदर्शन, 156, 36, 43 और 24 की पारी आई है। वेल्स अच्छे फॉर्म में है, ये भी बड़ी पारी में अपनी पारी को तब्दील नहीं कर पा रहे, लेकिन 30-40 रन करके इस मैच में भी ये दे सकते हैं और आपकी फैंटेसी टीम में भी ये फिट बैठते हैं, ये वहाँ पर भी आपको पॉइंट्स करके देंगे, 30-40 रन तो करके देंगे ही देंगे। गेंदबाजी की बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। राशिद खान ने आखिरी मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की थी, हैट्रिक से चुक गए थे और मैच को चेंज कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि एडिलेड स्ट्राइकर्स को जिता ही देंगे, आखिरी के ओवर में गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से, अदरवाइज आखिरी मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम आसानी से जीत सकती थी। लेकिन राशिद खान ने एक तरफा जाते हुए मैच को गजब चेंज किया था और उसी तरह की गेंदबाजी एक बार फिर से राशिद खान की तरफ से हमें देखने को मिल सकती है। पिछले 2 मैचों से सीडल को बड़ी ही मार पड़ी है, लेकिन इस मैच में सीडल वापसी करेंगे मुझे जहां तक लगता है और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। पिछले 2 मैचों से इन्हें विकेट नहीं मिला है, वरुण को भी पिछले 2 मैचों से विकेट नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले इन सब गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। आप देख सकते हैं 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट करके सीडल और वरुण दोनों ने लिया है। बात की जाए अगर और गॉटन की तो अगर का प्रदर्शन पिछले 5 मैचों में बहुत ही बेकार रहा है, सिर्फ एक मैच पहले 3 विकेट आया था, उससे पहले कोई भी इनकी अच्छी पारी नहीं आई है, ज्यादा विकेट नहीं ले पाए हैं। गॉटन की बात की जाए तो आखिरी मुकाबले में 2 विकेट लिया था, उससे पहले 1 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट, लेकिन मार इनको कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पड़ जाती है। खैर देखते हैं कि इस मैच में इनको खिलाया जाता है या नहीं, अगर खिलाया जाएगा तो मुझे लगता है कि अच्छी गेंदबाजी करेंगे। बात की जाए यहाँ पर ब्रिस्बेन हिट की तो इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इनमें भी एक बदलाव हो सकता है, स्वेप्सन की जगह जो है गटर आ सकते हैं। देखते हैं कि और क्या बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि स्वेप्सन और गटर में से कोई एक खेलेगा। फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके भी बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद कप्तान लीन सिर्फ 32 का हाईएस्ट स्कोर बना पाए इस बिग बैश में, उसके अलावा कोई भी इनकी बड़ी पारी नहीं आई है। ब्रांड की बात की जाए तो ये भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, पिछले 4 मैचों से लगातार फ्लॉप हुए हैं, सिर्फ एक डबल डिजिट आया है। 4 मैच पहले एक जो है इनका 68 रन आया था। डकेट की बात की जाए तो ये भी फ्लॉप हो रहे हैं, एक 46 आया था इनका, उसके बाद 3 जो है 2 11
11 और 13 फ्लॉप पारी आई हैं। पियर्सन की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में जो है डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो इनकी बल्लेबाजी एडलेड से भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। हैजलेट जो है अच्छे फॉर्म में है, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में है। 3 कंसिस्टेंसी के साथ जो है इनकी पारियाँ देखने को मिली थी, 42, 34 और 44 पांचवें नंबर के हिसाब से ठीक है। कूपर भी फॉर्म में नहीं है, आखिरी मुकाबले में 32 रन बनाकर जो है फॉर्म में वापसी करने की कोशिश किए थे, लेकिन पिछले मैच से पहले की जो 4 पारी है वो इनकी भी फ्लॉप रही। गेंदबाजी की बात की है तो इनके गेंदबाजों का फॉर्म इनके बल्लेबाजों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। आखिरी मुकाबले में स्टैगिटी और ब्रेड को 2-2 विकेट मिला था, स्वेप्सन को 2 विकेट मिला था और बेजले ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी और उससे पहले भी बेजले 3 विकेट ले चुके हैं। तो गेंदबाज इनके बल्लेबाजों की तुलना में अच्छे फॉर्म में है और इस मैच में मुझे लगता है कि मुजीब, स्टैगिटी, ब्रेनेट और बेजले अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बात की जाए अगर टॉप परफॉर्मर्स की तो जोनाथन वेल्स 131 रन बनाए हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, ब्रिस्बेन के खिलाफ। जैक वेदरन 198, राशिद खान 10 विकेट, पीटर सिडल 10 विकेट लिए हैं, उसके अलावा वेस अगर 8 विकेट लिए हैं। जिमी पियर्सन 286 रन बनाए हैं एडलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ, उसके अलावा क्रिस लिन 214 रन, स्टैकेटी 9 विकेट, स्वेप्सन 6 विकेट लिए हैं। आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को हमने अपनी फैंटेसी टीम में शामिल किया है। दोस्तों फैंटेसी टीम सेलेक्ट करने के लिए हम रियल 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर आप बहुत सारा पैसा जीत सकते हो इस बिग बैश के दौरान। आपको करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस ऐप का लिंक दिया गया है, मेरा रेफरल कोड INETV यूज़ करते हुए इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स आती रहती है, फाइनल अपडेट टीम भी आती है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज करना होता है तो मैं वहाँ पर बताता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। टकेट को एज ए विकेट कीपर लिया है, क्रिस लिन, वेल्स, हैजलेट और रेंजो को जो है 4 बल्लेबाजों को हमने अपनी टीम में लिया, 2 ऑलराउंडर्स बेजले और मैथ्यू शॉर्ट को लिया है, राशिद खान, गॉर्टन और सिडल को एज ए बॉलर और ब्रेट को लिया है मैंने ब्रिस्बेन हिट की तरफ से, 4 गेंदबाज, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 1 विकेट कीपर। कैप्टन रेंजो को बनाया, वाइस कैप्टन यहाँ पर राशिद खान को बनाया, वैसे मैथ्यू शॉर्ट को भी आप वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन बना सकते हो ठीक है। फाइनल अपडेटेड टीम, फाइनल अपडेटेड कैप्टन, वाइस कैप्टन हमेशा तक टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग को याद दिला दूं कि रियल 11 को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लेना, मेरा रेफरल कोड INETV जरूर यूज़ करना, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर फाइनल अपडेटेड टीम वगैरह भी मैं देता रहता हूँ। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार ये जो मुकाबला है एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि एडलेट की टीम ये मुकाबला जीत सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कि ब्रिस्बेन हिट ये मुकाबला जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।